इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So I will tell you here guys, so there are lots of things available on internet. Internet पर बहुत सारी knowledge पड़ी हुई है, बहुत सारा data पड़ा हुआ है, but आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा data आपके लिए फ़ायदेमंद है, helpful रहेगा? अगर आप programming language में new हैं and अगर आप चाहते हैं अपना करियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना, तो जावा स्क्रिप्ट इज़ द बेसिक कंपोनेंट, इज़ द बेसिक लैंग्वेज। यू कैन लाइक हैव अ नॉलेज ऑफ दिस, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, उनको रन कराना होता है। तो रन कराने के लिए हमारे पास या तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं या फिर हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें जाके रन कराएंगे। मैं आपको वो दोनों ही ऑप्शन बताऊंगा। फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ वी कैन स्टार्ट विद आर ऑनलाइन टूल्स। सो आपको सबसे पहले सर्च करना है जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन रन। तो जब भी आप जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन रन लिखोगे तो आपको बहुत सारे एडिटर मिल जाएंगे जिसमें आप रन टाइम पर अपने जावा स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, इसका मतलब आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो राइट साइड में आप देखोगे वेलकम टू द प्रोग्राम इज़, ये प्रिंट हो गया बिकॉज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस कंसोल डॉट लॉग में। अगर मैं इसको चेंज करके हेलो वर्ल्ड लिख दूँ और यहाँ पर रन करा दूँ तो यहाँ पर आप आउटपुट देखोगे हेलो वर्ल्ड आ गया। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो ये क्या कर रहा है, इसको इंटरप्रेट कर रहा है और इसके आउटपुट को यहाँ पर दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने सिस्टम में नोड को इंस्टॉल कर लें, नोड जेएस को। यू कैन इंस्टॉल दी नोड जेएस इन योर सिस्टम, नोड जेएस ओ आर जी। यू कैन डाउनलोड, आई एम यूजिंग मैक, सो दिस इज शोइंग फॉर मैक। इफ़ यू गाइज आर यूजिंग दी विंडोज़ लैपटॉप, so this will accordingly show you the windows compatible node software. So you can download it and you can easily install it. After installing this second thing, you need to install the Microsoft code, MS code. आप लोगों को MS code install करना है। MS code install करने के बाद आपको उसको चलाना है। आप देख सकते हो कि विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए है एंड वन टू एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए है। तो आपका जो भी प्लेटफॉर्म है अकॉर्डिंगली आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा यहाँ से। तो आप लोग देख पा रहे हो यह एक एडिटर है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से एक नई फाइल बना सकते हैं और या फिर किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। आप लोग जावा स्क्रिप्ट और जावा को एक तरह मत सोचना। जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट इज़ एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इट मींस इन जावा स्क्रिप्ट टू रन द कोड वी नीड टू इंटरप्रेट द कोड दैट वी हैव रिटन बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज होता है एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। सो मैंने इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, अब हम इस फोल्डर के अंदर हैं। अब यहाँ से हम अपनी कोई भी फाइल बनाएंगे, मैं बना देता हूँ स्टार्टिंग के लिए आपके लिए। सपोज़ मैंने हेलो डॉट जे एस, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए डॉट जे एस एक्सटेंशन फाइल का यूज़ करते हैं, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो जे एस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करने से हमारे एडिटर को या हमारे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा, इंटरप्रेटर को, कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं और इस वाली फाइल को हमें रन कराना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसोल, अगर आपको कंसोल पर कुछ प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मैंने, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, इसको सेव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें ही टर्मिनल खोल लेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद हम इसमें फाइल का नाम लिखेंगे विद नोड, बिकॉज वी हैव इंस्टॉल्ड अ नोड ऑलरेडी इन आर सिस्टम, तो नोड विल हेल्प टू रन दी दिस फाइल। तो हमारी फाइल का नाम है हेलो डॉट जे एस, हमने हेलो डॉट जे एस रन कराया तो नोड ने क्या किया, इस फाइल को रीड करना स्टार्ट कर दिया और इसमें एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है जो कि कंसोल डॉट लॉग है, इसके अंदर जो भी होता है हमने प्रिंट करा दिया। तो हम एडिटर यूज़ करेंगे ये कोड, माइक्रोसॉफ्ट कोड, इसमें यूज़ करने का फ़ायदा यह है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं ये सजेशंस देता है हमारे लिए, तो हमें इजी हो जाता है चीज़ों को समझना और आपको पता चल जाएगा कि आप जो लिख रहे हो क्या वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को कैसे रन करा सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक आप ऑनलाइन टूल की हेल्प से करा सकते हैं, कोई भी आपके पास एडिटर नहीं है तो आप सीधे गूगल पर डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट रन कैसे करें, हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट, सो देयर विल बी मल्टीपल टूल्स अवेलेबल, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने सिस्टम में या तो नोड इंस्टॉल कर लें, देन माइक्रोसॉफ्ट कोड इंस्टॉल कर लें, देन आप उसको लोकली रन करा सकते हैं। इस वीडियो के लिए यहीं तक, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको अदर जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट की वीडियो बनाऊंगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लेट्स मीट फॉर द सेकेंड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।